आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ बसंत भाग दो पार्ट 12 कंचा, और इसके लेखक हैं टी पद्मनाभम। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी सी से टकराती तो कभी पेंसिल से, वो सब उससे बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौए और सियार की। सियार कौए से बोला, प्यारे कौए, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी ये सब चीज़ें बराबर ला देते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह कंधे से लटकते फीते का बस्ता एक तरफ उठाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर टाकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं, अब तक कहाँ थे ये, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया। वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के लिए हमेशा चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने हैं वहाँ, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो मैं निकाल कर दूंगा। वह उदास होकर अलग खड़ा हो गया। क्या कंचा चाहिए, दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर व्यवस्था था में दौड़े हुए आगे बढ़ चला। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वह सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रमन अगली बेंच पर बैठा है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका की बात अम्मू बैठी है, लेकिन जॉर्ज कहीं नहीं दिखाई पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही था जो सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर कोई यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए खिलाड़ी को अपनी मुट्ठी बंद जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया, अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रमन ने यह सूचना दी। उसने मल्लिका को बताया था, जॉर्ज का घर रमन के घर के रास्ते में पड़ता है। अब वो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पृष्ठ 37।
घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टरी बीच बीच में पैसे मेज ठुकती हुई ऊंची आवाज में कह रही थी, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है, वे भाप की भी रेलगाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊँची थी, वे रेलगाड़ी के हर किस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए ख़ास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं, लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ ये दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। तभी उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा गिरा, अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, अरे तू इधर क्या कर रहा है, उसका दम उठ रहा था, बोल। वह खामोश खड़ा रहा, क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुँचे, सारी कक्षा सांस रुके उसी की तरफ देख रही है, उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, करवट मास्टर जी ने उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है, शायद उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया, अगर दिया भी हो तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बताना, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था, हाँ हाँ वे कांपते हुए बोला, कंचा कंचा, ये सक पका गई, क्लास में भूचाल आ गया। स्टैंड अप, मैंने कहा स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में से चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा, पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा, रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रमन मलिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इनमें से वह किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा, कंचों को देख ही ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछें तो, नहीं तो किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त करके सबसे पूछा, क्या किसी को कोई शक नहीं। अप्पू की शंका भी दूर नहीं हुई थी, वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। रमन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला, अम्मी मणि ने सगमक्का का समाधान कराया, कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना शंका क्या है, शंका जरूर है, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में, क्या सोच रहे हो अप्पू। पैसे, क्या कितने पैसे चाहिए और किसके लिए। वह कुछ नहीं बोला, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए, उसने सिर हिलाया, बेवकूफ़ रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं खरीद सकते, अगर मिले तो उससे लेकर क्या करेगा, वह खेलेगा जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लेकर आया, मास्टर जी कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए,
राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। केदार, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठे से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर फिर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा मास्टर जी, ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं पहले मैं आया हूँ। नहीं, पहले मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से दूर खड़ा रहा। रमन ने फीस जमा की, मलिका ने फीस जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जार्ज को साथ लेकर चलो तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास भी नहीं गया। फाटक के सीख से थामे। उसने सड़क की तरफ देखा, वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी है, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं और उनमें से एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही थी, उसकी चाल तेजी से बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने हाँ में सर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगा। तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे हैं। तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? उसने जेब में हाथ डाला। 1.50 रुपये हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के? सबके? इससे पहले किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। अब दुकानदार समझ गया। वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी और को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, वह जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली उठाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उनके छूने से ही कंचों को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक होगा, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुँच रहे हैं। छड़ भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते के अंदर। 1, 2, 3, 4। तभी अचानक एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह भी उस वक्त कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि लड़के को कच्चा खा जाए। उसने बाहर झाँक कर देखा, लड़का कर क्या रहा है? हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है,
और मोटर के भीतर एक ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छे हैं ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया और वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाई, स्लेट किताब सीसी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताब फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना, 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं माँ। पर पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, दोपहर को पापा ने दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गईं, उसकी माँ रो रही थी। अप्पू जान नहीं सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना, है ना? नहीं तो अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बच्चे। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी से छलक रही थी। टी पद्मनाभम।